now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो विश्वकर्मा भंडार। हाँ जी बंडी भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ जी बंडी भैया बोल रहे हैं। बंडी भैया चना है? हाँ भैया है। अच्छा सुनिए एक मिनट भैया, पूजा आपकी गर्लफ्रेंड है ना? पूजा हाँ भैया हाँ है। हाँ तो आपको एक बात बताएं, चना भी है ना? हाँ चना है। हाँ तो भैया पूजा से प्यार करना मना है। पूजा से प्यार करना मना है? चना है तो पूजा से प्यार करना मना है। कौन सा बोल रहे थे भैया? हेलो सुनिए ना, मना है। अरे साला मना तो है लेकिन कौन बोल रहा है भाई? ए भैया चना बताओ ना भैया। हाँ बंटी भैया सरसों है? हाँ भाई ले लो। अरे सरसों है? हाँ सरसों है भाई, बताओ कितना चाहिए? चना सरसों सब है। पूजा का किसी और के साथ डेट परसों है। तुमको सरसों चाहिए चना चाहिए हमसे मांगो, रख फोन रख। सुनिए ना, हेलो भैया। हेलो बंटी भैया। हाँ जी बंटी भैया, आटा है? अभी आटा है। पूजा की तरफ से आपके लिए आखिरी टाटा है। अरे आटा चना सरसों सब मेरे पास है, पूजा को बीच में कहाँ घुसा रहे हो? कौन बोल? बंटी भैया बंटी भैया जीरा है? अरे अरे नहीं नहीं वो नहीं, जीरा है कि नहीं पूछ रहे? अरे अरे जीरा है, हम ही मिले हैं मरवाने के लिए हम ही। आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बताइए ना जीरा है? हाँ है। पूजा की नजरों में कोई और हीरा है? तुम्हारी को पकड़ के तुमको सामान लेना, सामान लो ना, कहाँ जा रहे हो, घुसे चले जा रहे हो? लेकिन ये तो भैया आटा है लेकिन पूजा की तरफ से आखिरी टाटा है। तो यार जो बोल रहे हो अलग तरीके वाले हैं। इतना फुर्सत मिला कि तुम हमें रखो फोन। कौन? हेलो विश्वकर्मा भंडार बंटी भैया। हाँ भैया बोल रहे हैं, बताइए। मसूर है? मसूर। हाँ मसूर है। पूजा का बाप लेकिन किसी और का ससुर है। अरे बात बताओ, सामान लेने के लिए फोन पर पूजा आ रहे हो? इतने बड़े लोग साले कहाँ से बोल रहे हो? हेलो बंटी भैया सुनो। हेलो भैया तुम्हारी कदर। अरे सुनो सुन, क्या कर रहे मैं और के साथ बात करने की तमीज नहीं आपको? बंटी भैया ये जो जा रहे हो फोन करके, हमारे जीजा पुलिस में है, नंबर दे दिए, पूरा खानदान की अकेले तुम्हारी बता रहे हैं। अरे पुलिस में नहीं पूछ रहे हम, पूछ रहे मेहंदी है? अरे सब है मेरे पास, बताओ तो मेहंदी है? सुनिए है चाहे नहीं पता नहीं, लेकिन इतना श्योर है कि पूजा किसी और के नाम की मेहंदी लगाएगी। पूजा की चीजें क्या है? हम जहां से भी बोल रहे वहां घुस के तुमको तुम्हारे खानदान। भैया एक लास्ट वाला सुनिए, सूजी है क्या? सूजी है? आप इतना सूजी की जरूरत है हमारी? लेकिन हम बता रहे हैं सुजा तुम सब जो भी हो। सुनिए आपकी आपकी गर्लफ्रेंड है ना पूजा? हाँ है। तो क्या कर लोगे? उसी ने नंबर दिया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, बगल में आरजे नील रेड एफएम से। सुन के गाली दे रहे भाई, आपकी गर्लफ्रेंड ने दिया था, हमारी गलती नहीं, उसने कहा था ये सब। हेलो 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 कहाँ भैया, काट ही दिए लाइन। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हाँ महाराज। हाँ? क्या क्या बना सकते हो तुम? जो खाने का बताओगे? मेरा पोता हुआ है। तो पोते के जन्मदिन की खुशी में आपने पार्टी रखी है? नहीं सर ऐसा नहीं है, पोते को पहली बार दस्त हुई है हमारे। क्या हुई है? ओ होती है ना बेटा,
ऐसे करके पूरी निकल जाती है पेट से। ये कैसा है, ये मजाक कर रहे हैं क्या? पतली तत्ती होती है ना बेटा, उसकी पहली दस्त की खुशी में घर में पार्टी देना चाहते हैं। ये कैसा है भाई साहब, मैं ये सब फंक्शन नहीं करता हूँ बेटा। क्यों नहीं करते बेटा, मेरा डीजे तो गाने बना के ला रहा है, तू चीज बड़ी है दस्त दस्त। हमने ना आज तक कभी ऐसा कोई फंक्शन में काम किया और ना ही हमें भविष्य में कभी करना है बेटा। देखो ऐसा है कि खाना भी तुम ऐसा बनाना कि घर में सबको दस्त हो जाए, लोग मतलब याद रखे। फोन रखिए इट विल ऐड वैल्यू टू योर सीवी। अरे यार रखिए आप बेवकूफ। अजय हम नहीं करते ऐसे फंक्शन। हेलो हाय महाराज, खाना बनवाना है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1000-2000 लोगों के लिए। हो जाएगा, और खाने में क्या रखना चाहेंगे वो आप सजेस्ट कीजिएगा। तो क्या फंक्शन क्या है तो वो बता देते। फंक्शन वो बताएंगे आपको। या बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था क्या? नो लिसन बेटा, द फंक्शन इज उते को ना परसों रात में उसने जापानीज पिक्चर रिंग और हिंदी पिक्चर दाद द फायर देख ली थी दोनों, तो उसके ऐसे पाँव में ना बेटा बहुत बड़ा दाद हो गया है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एकदम वो फफूंदी टाइप हो गया है। हमने तो DSLR कैमरा भी मंगाया पिक्चर खिंचाने के। हमारे परिवार में यू नो व्हाट हैपेंस सिस्टम है, वी सेलिब्रेट एवरीथिंग। हम लोग ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा, 1000-2000 लोगों को तो खिला ही देना हम लोग को। कैसी बातें कर रहे हो यार, फोन क्यों कर रहे हैं बार बार मुझे? बेटा देखो तुम्हारा काम तो खाना बनाने का है राइट, ऐसा खाना बनाना कि सबको ना बेटा दाद हो जाए। That is you, okay? हेलो हेलो। हाँ बेटा, ये सब अंग्रेजी मत समझे, फोन रख दो बता रहे, मूड ना खराब करो सुबह सुबह। हाँ बेटा, अगर तुम बोलोगे तो हम तुमको थोड़ी दाद भी दे देंगे पेमेंट में। अरे रखो यार, उसे लो पेमेंट। हेलो महाराज। हाँ जी बोल रहा हूँ। हमारे घर में एक फंक्शन है जिसके लिए हमें हलवाई की जरूरत थी। हाँ ठीक है, हो जाएगा। एक्चुअली हमारी दादी जो है वो वेंटिलेटर पे है, तो हमारे दादाजी की तीव्र इच्छा है कि वो पार्टी दे। दादी वेंटिलेटर में है और दादाजी चाहते हैं कि पार्टी दे। या, एक मिनट के मैं दादाजी को बुला देता हूँ, वो समझाएंगे। अरे दादाजी, वो जो हलवाई बोल रहे थे ना, हलवाई है। अच्छा बेटा आया वीर को, ठीक है। अरे ये वही है। हेलो हेलो हेलो, ये वही है। अरे दादाजी नाचना बंद करो, इधर आओ ना आप साइड में। हाँ बेटा। अरे ठीक है, तुमने फिर फोन कर दिया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या पागल आदमी हो क्या बुड्ढे, साले सुबह सुबह मेरी घुस गए। नहीं बेटा वहाँ नहीं घुसा, वहाँ पे बड़ी गंध है। दादी वेंटिलेटर पे है, हमारी फैमिली ने कभी एसी की हवा खाई नहीं है। पहली बार मतलब वेंटिलेटर में जब हम लोग गए तो एसी कैसे हवा खाई, 10 मिनट में आया, 10 मिनट मेरा बेटा, ऐसे सबने मिल करके पूरा परिवार पागल बता दे। बेटा ऐसा है कि हमने पहली बार एसी की हवा खाई है तो पार्टी मतलब नहीं है। फोन मत करना, मैं बता रहा हूँ। पकौड़े? हाँ बेटा पकौड़े तो चलेंगे बेटा। दाद हो गई है, दाद की पार्टी करनी है। दादी वेंटिलेटर पे है और बुआ मरी जा रही है क्या? वो भी चलेगा, वो भी आइटम डाल देना खाने में। और अगर आप गाली देना बंद करें तो आपको एक बड़े काम की बात बताऊं। गाली देना क्या, तुम तो सुबह सुबह हमको फोन कर कह रहे हो हमारे दस्त की पार्टी है, पार्टी है वेंटिलेटर। हाँ लहसुन भी चलेगा, हाँ लहसुन भी चलेगा। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मूर्खा बना रहे थे हम लोग। क्या यार, ये क्या मतलब यार, सुबह सुबह आप। हाँ तो बेटा बना दो ना फिर। दस्त है, दाद है, एवरी मोमेंट शुड बी सेलिब्रेटेड राइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बात कर रहे थे। सर आपके मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है। मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से? पोस्टपेड कनेक्शन जिनका भी है उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक किया जा रहा है। सो तो अगर सर आपका आधार नंबर अभी है तो हमें बता दीजिए। 3248। आपके फोन को मैं जरा सा होल्ड पे रख सकता हूँ? ठीक है ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर होल्ड पे रहने के लिए। हाँ हाँ। मैं देख पा रहा हूँ सर आप वीडियोस देखने के बड़े शौकीन हैं। यूट्यूब पे कभी कभी कुछ वीडियोस देख लेते हैं सर। मैं वो कंटेंट वाले वीडियोस की बात कर रहा था। नहीं नहीं हम नहीं देखते, वो हमारे दोस्त लोग है ना, वो रूम पे जाते तो शायद वो लोग मोबाइल जो है वो। वैसे भी हमारा एक ऑफर, क्या दिक्कत क्या है इसमें आप ये बताएं। हमारा एक ट्रायल पैक आया है जिसमें आप ये सारे वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। 30 दिन के लिए हसीन दर्द आप बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे। इतना फ्री एकदम, तो आप भाई साहब एक्टिवेट कर दीजिए। आधे घंटे के अंदर में ये सर्विस आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी सर। ओके ओके थैंक यू। हेलो ऐसी नजर से हेलो देखा एक जालिम ने बाथरूम में बैठ कर हमने कैमरा बोले तभी जब बोल रहे कौन है, कौन बोल रही है मैडम आप? गलत नंबर मिला दिया आपने किसी और को।
पर। कौन बोल रहा है भाई? आपने मेरा वीडियो देखा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? लेकिन आपको नंबर कैसे मिल गया? हमने वीडियो तो देखा था। आपने वीडियो देखा, आपका नंबर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप पे है तो लीजिए फिर थोड़ा सा। आपने मेरी वीडियो की अदायगी देखी किचन के? अरे बहुत बहुत सही देखी, लिंक भी शेयर किया दोस्तों को। रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके देखिए, अभी अभी थोड़ा सा ऑफिस में हम और आसपास लोग जो है वो थोड़ा सा गलत समझेंगे, तो अगर आप इत्मीनान से कॉल करें रात को 10-11 बजे। मैं समझ नहीं पा रहा क्या है भाई, भालो लग रहे तोड़। अरे भाई बंगाली मुझको नहीं आती। विक्टोरिया नहीं है जाबो, घोड़ा पीटे चढ़ो हमरा। विक्टोरिया में वहाँ मिलेंगे आप क्या? टिक 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 टिक। तो आराम से बात करते हैं ना अपन लोग। आए तो एक तो चापी आए। एक दिन होल्ड करेंगे, मैं बाथरूम में जाके बात करता हूँ आपसे। हाँ अब बोलिए ना। अभी क्या पहने हुए हो? फॉर्मल कपड़े पहने। बाथटब है आपके ऑफिस में? इसके ऑफिस में बाथटब होता है यार। कमोड है? हाँ। बैठ जाइए। बैठ गया, बताओ ना आप क्या करना है। एवर हेगे ने हेगे मोड़े जा। क्या बदतमीजी है ये? फोन पे लड़की की हाय सुनने के साथ ही बाथरूम में क्या करने चले गए भाई? तो मेरे को ये बताओ पहले, ये कौन बोल रहा है? अच्छा लड़की को क्या बोल रहे थे? कमोड पे बैठ गया, आप क्या करूं? मुझे लगा क्लाइंट कॉल है, मैं इसीलिए। हेलो नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। सर आपका मुर्गा बनाया जा रहा था यार। प्रवीण भाई, इस जालिम ने दीदी गलती हो गई। दीदी कब 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 कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी दीदी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो सर, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है? कौन? सर मेरा नाम हिमांशु है, मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता था सर, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। पढ़ाई में क्या कर रखा है आपने? सर पढ़ाई लिखाई तो सब सही है सर, लेकिन मेरे में टैलेंट बहुत है सर, जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना सर लोग खुश हो जाते हैं। तो भाई सबको किसी को खुश नहीं करना, आप लोगों को सिक्योरिटी कंपनी में आना है तो सिक्योरिटी करनी है। मेरा टैलेंट देखिए सर, मैं मतलब रात को ऐसे क्या होता है ना, लोगों को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए ऐसे कर सकता हूँ। जागता रहो, तुम सो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं अपनी आवाज से तुम्हें सोने नहीं दूंगा। डच गया, डच गया। इस तरीके से आप सिक्योरिटी करेंगे किसी चीज की तो लोग बागों को वैसे ही नींद नहीं आएगी सर। तो मैं थोड़ा सॉफ्ट कर सकता हूँ सर। जागता रहो, डच गया। भाई तारा जात का लेकिन वहाँ सर पैसा बोलता है। मेरा ईमान, मेरा टैलेंट, मेरा जमीर मेरे किसी काम नहीं आया, इसीलिए मेहनत करता हूँ। मेहनत है तुझ में हिम्मत, मेरे घर में रोटी लाएगा तू? तुम हो कौन? सर आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। तो जुमा नाचो गाओ क्या? तुम आदमी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, पहले कहाँ काम करते थे? इसके पहले सर मैं 6 उंगली वाला काम करता था। 6 उंगलियों का क्या करते थे मेरे भाई? मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेरा काम एलियंस को बुलाने का है सर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1 मिनट रुकिए सर। ओ मेरे रहते कुछ काम कर ले भाई, काहे मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, काहे फिरकी ले रहा है मेरी भाई। मेरा दोस्त जादू आ गया सर, आप मुझे दे दीजिए जॉब सर, आई लव यू सर। काम और किस किस की आवाज आती है भाई तेरे को? अरे भैया तुम तो बड़े मजेदार इंसान हो। भाई सुन देख, हंसो साले हंसो, हैं हमें देख रहे हो, हमारी हालात पे हंस रहे हो। एक एक्टर मर रहा है ऐसे जिंदा, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहता है लेकिन तेरे जगह कोई फर्क नहीं पड़ी है। तुझे फर्क पड़ी है अपने फोन के, अपने पैसे के, अपने ईमान के, अपने गिरबान के है। अच्छा है, बन के आएगा मेहमान कर दूंगा परेशान। हंसो, मैं फोन काट रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। इस टेलीफोन कॉल के जरिए अब तक आपने जो एंटरटेनमेंट लिया है उसके लिए आपके 25 रुपए प्रति मिनट कटेंगे। जैसे ही आप इस कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे आपकी राशि काट ली जाएगी। धन्यवाद। मैंने बोला था क्या फोन करने को एंटरटेनमेंट के लिए? मुझे घंटा ही नहीं चाहिए कोई एंटरटेनमेंट। तुम फोन काटो ना, मैं काहे को फोन काटूं? बलवंत राय के कुत्ते, तू कहे तो मैं भौकू, तू कहे तो मैं काटो, क्या मैं तुम्हारे बाप का गुलाम हूँ? ऐसा नहीं हो सकता हसीना बानो, मैं तुम्हें तुम्हारा हैंडपंप उखाड़ करके यहाँ पाकिस्तान से ले जाऊंगा। और पैसे तो तुम्हारे कटेंगे, तुम्हारे कटेंगे, मेरे काहे को कटेंगे? मैं कनेक्शन ही कटवा दूंगा अपना, लाइट चाहिए काट रहे हो यार? मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे आके काट के ले जाऊंगा पैसे। ये बॉबी रोजगार योजना है, पागल है
दिक्कत है, दिमाग खराब है। अरे भैया जो है इतनी देर आपने भैया गाली दी, एक बार भैया जरा हिंदी मीडियम में ओ बोल दो ना जरा भैया। भाई क्या चाहते हो मेरे भाई, इतनी देर हमसे बात करी तो 75 रुपए तो बैलेंस कटेगा ना। तो कोई बात नहीं करी, तुमने फोन किया था, मैंने तो बोला ही नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब एक दिन अगर रेडियो पर हमने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया ना एंटरटेनमेंट के चक्कर में कि हम आपको एंटरटेन करते हैं, इसके पैसे काटेंगे आपके मोबाइल से, लोग रेडियो सुनना बंद कर देंगे। अच्छा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका दैव्य सजना मुर्गा बनाया जा रहा था। जागते रहो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो द मेडिकल स्टोर्स, बताइए। पानी तेल रखते हैं आप? यहाँ मिल जाएगा। तकरीबन 20 लीटर पानी तेल चाहिए था। 20 लीटर जी? आप शीशी आती है, शीशी ले जाइए। हमें चाहिए तो 20 लीटर चाहिए, घर में बड़ा फंक्शन है ना इसीलिए। फंक्शन है पानी तेल के लिए? नहीं दरअसल हमें दही बड़ा बनाना था। अरे भैया वो किसी और चीज को बड़ा करने के लिए होता है, दही बड़े के लिए नहीं होता। ऐसा है कि हमारे पास में दही तो बहुत सारा पड़ा है, दही को हम लोग पानी तेल में डालेंगे तो बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो दही बड़ा बनाना था हमें, तो उसके लिए चाहिए था हमें थोड़ा सा। लगा रखा है यार। एक काम कीजिएगा, वो 100 ml की शीशी है ना, तो निकाल निकाल के 20 लीटर का एक जरिकन भर के हमको भेज दीजिएगा, आपको जो पेमेंट लेना है ले लीजिएगा। क्या आदमी हो क्या यार, बिल्कुल। अरे तो हम तो आपको पैसा दे रहे हैं ना, तो एहसान कर रहे हो, पैसा हमें भेज रहे हैं। हेलो बेटा कंडोम रखते हैं क्या आप? हाँ जी अंकल रखते हैं, रखते हैं। तकरीबन 25 किलो कंडोम चाहिए थे। 25 किलो अंकल? ऐसा है जो पैकेट में आते। हाँ तो वजन करके दे देना 25 किलो बेटा। क्या वो मैं बैंकॉक जा रहा था 3 दिन के लिए, तो सोचा लेता जाऊँ बेटा। अरे अंकल आपकी उम्र में कहाँ 25 किलो 3 दिन में, सारी जिंदगी बेटा। यही तो प्रॉब्लम है तुम यंग जनरेशन वालों की बात सुनते नहीं हो बेटा। ऐसा है कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, सोशल सर्विस करनी है, तो मैं वहाँ पे ये 25 किलो तुम बांट के आऊंगा, मैं नहीं यूज करूंगा बेटा। जवानी में दिन में 3-3 बार खेलता था, अब बेटा जिंदगी खेल रही है हमारे साथ में, अब तो कहा बेटा होता है कुछ। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है वो लगा देना बेटा। तो ये एक ऑर्डर लिख लो। दूसरा बेटा मुझे 20 लीटर पानी तेल भी चाहिए था। ये भी बांट रहे हैं वहाँ पर? नहीं बेटा, घर में फंक्शन है मुन्ने का, तो दही बड़ा बनाना था। दोबारा फोन कर रहा है आवाज बदल के। हेलो हेलो, अरे हेलो भैया कौन है? हेलो, अरे तेल कम पड़ गया तेल। क्या? अच्छा नहीं है, तेल मंगा लो, थोड़ा तेल मंगा लो, दही बड़े बन रहे हैं। अरे क्या साला, पता नहीं क्या तेल 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 लगा रखा है। मंगा लो तेल, मंगा लो भाई साहब फोन पे। क्या तुम क्या रे पागल आदमी हो क्या यार, सुबह से फोन करो पानी तेल भिजवा दो ना, इतना क्यों गर्म हो रहे हो? इससे एड्रेस मांग रहे हो 20 लीटर भेजने के लिए, जब हमने कॉल किया था हमें तो मना कर दिया तुमने। यार अंकल है। हाँ बोलो। तुम साला चावल में ना लंबी वाली लौंग डालनी है, पानी तेल में लौंग डालूंगा तो लौंग बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी इतनी गंदे नीचे आदमी मैंने ऐसे देखा नहीं यार। सुनो ना, छोटी इलायची को पानी तेल में डालूंगा तो बड़ी इलायची हो जाएगी क्या? ऐसा यार फोन रखो, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। सुनिए बात कर रहे हैं, ऐसा है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपको मुर्गा बना रहे थे। आप क्यों फोन कर रहे हो भाई? यही पूछने के लिए फोन किया था। आपका फोन वाइब्रेट होता है? भाई सबका ही होता है। तो वाइब्रेशन का मजा उठाना, फोन क्यों उठा रहे हो? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो हेलो, फायर ब्रिगेड। हाँ जी बताइए। आप आग बुझाते हैं ना? जी जी। तो जल्दी से बुझाइए ना फिर आग। एड्रेस बताइए। अबला नारी की आवाज़ सुन के समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ पे लगी है आग। नहीं मैडम, मैं मेरे को कुछ बताइए तो सही है, एरिया तो बताइए एटलीस्ट। सुनो ज्यादा स्मार्ट मत बनो ठीक है, मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम्हें पता है कहाँ आग लगी है। सुनिए आपने ना गलत नंबर डायल कर दिया, आप शादीशुदा हो, मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज रखिए फोन। ओ कम ऑन बुझाइए ना मैडम। बिल्डिंग वगैरह की आग कहीं लगी हो तो हम बुझाते हैं, ऐसे किसी के अंदर की आग नहीं बुझाते। ये फायर ब्रिगेड है ना? जी हाँ ये फायर ब्रिगेड ही है। हाँ तो फिर जल्दी से मेरी आग बुझाओ। फोन रखिए आप। क्या नल्ला है क्या, आग बुझाना नहीं आता? मैडम तमीज से बात करूँ, तमीज से बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ फोन एक बार आ तो जाओ आग बुझाने, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ बदतमीजी किसे कहते हैं जनाब। भगवान के दिन लेने लग जाए, आप रखिए फोन रखिए मैडम। गाली तुमको दिया गाली। अरे मैडम आप रखिए फोन प्लीज। सुनिए ना हेलो।
आग बुझाते हैं आप? जल्दी एड्रेस बताइए। हाय जनाब, आकर के बस मेरी आग बुझानी है। कहाँ लगी हुई आग? समझ में नहीं आता, मेरी आग बुझानी है। क्या बदतमीजी है ये है? मालूम, मैं जहाँ जाता हूँ ना आग लगा देता हूँ। कैसे मालूम? एक पकड़ में माचिस रहती है, दूसरे में केरोसिन की बॉटल, ऐसे बॉटल फेंक करके आग लगा देता हूँ। ऐसा है, ये घटिया जोक मत सुनाइए। ज्यादा आपकी आग लगी, ठंडा पानी पीजिए एक बोतल। सुनो, गर्मी कूल लगाता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम आओगे तुम्हारे भी लगा दूंगा, ऐसे बाहें उठा करके तुम्हारी वो बाहों के बगल में क्या बोलते हैं, खाक बोलते हैं उसको, वहाँ पे गर्मी कूल पाउडर, ठंडा ठंडा फूल फूल बगले हमारे प्रचुर चूल। क्या चल रहा है ये, क्या है ये? बड़ी आग लगेगी तो उसको बुझाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कैंडल पे फूक मार के। अरे यार ये सुनो, लास्ट टाइम आग बुझा दो मेरी, बिकॉज जिगर मा। हेलो दी दादी, कौन बोल, कौन रहा है? मैं आपका थाला। कौन थाला, कौन बोल रहा है? दीदी ने थोड़ी देर पहले तौल दिया था आप तो, दीदी ने बताया था 29 पाद बुझा दीजिए। क्या बोल रहे हो बदतमीज, क्या तमीज? आइए दीदी, आओ दीदी, क्या बोल रही थी बताओ दीदी। तो मेरी आग बुझाने बोली थी ना आपको। क्यों बेकार में बार बार फोन करे, परेशान कर रही है? क्या प्याज बुझा दो, प्याज बुझा दो लगा रखा है? सुनो दीदी, तुम्हारा हाथ पतलते तात लिंदे। सरकारी कर्मचारी को धमकी दे रहे हो, तुम समझ रहे हो? अभी कंप्लेंट, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपकी धमकी का जनाब बेआली, कि कब आप हमारी आग बुझाएंगे। हम आग बुझाऊ फैमिली है, हमें जन समूह आग बुझवानी है। हेलो सर, सर रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। अरे यार प्रवीण यार, ये क्या है तुम? सर हमें मालूम था कि आप आज छुट्टी पर हैं, मोबाइल फोन आपके पास में और आप घर पर हैं, इसीलिए हमने कॉल किया। अदरवाइज फायर ब्रिगेड की लाइन पे कभी भी कॉल करके हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और लाइन को इस तरह से बिजी नहीं रखेंगे। आपकी बीवी नहीं बोला था? भगवान बुझा दीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो अतुल, मुझे .com से आपका CV मिला है। वी आर अ रेनाउंड कंपनी एंड वी वुड लाइक टू हायर यू फॉर दैट पोजीशन। दिस इज द प्रॉपर टाइम टू टॉक टू यू। कहाँ से MBA करा आपने? मैम कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम बैंगलोर। व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन? आई एम स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस सेक्टर। या हाय अतुल, माय नेम इज रॉबिन, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, आई एम द सीनियर HR मैनेजर। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क यू। यस। पहला तो ये बताओ अतुल कि आपको सुबह उठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस सर। इसके पहले हमारी कंपनी में 4-5 एम्प्लॉइज को हमने कंपनी से निकाला बिकॉज उनकी आदत थी टॉयलेट पेपर यहाँ से चोरी करके ले जाने की। आई होप आपको इस तरह की कोई गंदी आदत नहीं है। नहीं नहीं, नो सर। कीप राइटिंग ऑल द बुलेट पॉइंट्स, हां व्हाटएवर ही इज सेइंग, मेक अ डॉक्यूमेंट एंड स्टैंप लगा करके फिर वो फैक्स मारना। अगर ऑफिस की कोई कलीग आपको लाइक करना चालू कर देती है, सो ऐसे सिचुएशन में आप अतुल इसको कैसे डील करोगे? आई विल नॉट फॉल फॉर हर बिकॉज़ आई एम देयर टू वर्क। फैंटास्टिक। व्हाट इफ योर बॉस, जो बहुत खूबसूरत है, शी फॉल्स इन लव विद यू? बॉस इज ऑलवेज राइट, सो मैं बॉस को नाराज नहीं कर सकता। वो जो कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। वेरी स्मार्ट अतुल, वी आर रियली इम्प्रेस्ड, विल बी ट्रांसफरिंग योर कॉल टू द पर्सन हु इज गोना हायर यू। तो आप जरा शालीनता के साथ में बड़े प्यार से और अदब से उनसे बात कीजिएगा, ओके? बिल्कुल सर। हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है वो, डेली का उनका लाखों का बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है हमारे साथ में। ओके सर। राइट। हेलो। हेलो। हाय, माय नेम इज परशुराम। यस सर। आपका नाम? अतुल। यस सर। यार ये तो मतलब बड़ा गंदा नाम है। क्या कर सकते सर, माँ बाप ने रखा था। तो यार एफिडेविट करा के चेंज करा लो, लाइक माय नेम इज परशुराम। ओके, हाउ अबाउट अ नेम फॉर यू लाइक तुलसीराम? बैकवर्ड नहीं होता है सर, आई एम अ यंग जनरेशन बॉय। डोंट वरी यार, यू हैव टू हैव द एथिकल वैल्यूज इंटैक्ट इन यू। या द RCS A बाय RCS B इज इक्वल टू assign, दैट इज द फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू अप्लाई इन योर लाइफ। हैव यू हर्ड अबाउट दिस फॉर्मूला एवर? हां सर, अभी सुना सर। इवन आई हर्ड इट नाउ। लाइफ में एम क्या है तुम्हारा? एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज हो। एंड हाउ इज योर एम? सर एम ही बता रहा हूँ ना सर मैं। पागल के बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ हमारा एम कैसा है? सर एम अच्छा है सर। सो नाउ आई टेल यू अबाउट द जॉब प्रोफाइल। साइकिलिंग आती है आपको? हाँ सर साइकिलिंग आती है। वेरी नाइस। सुबह सुबह उठना है आपको, साइकिल चलानी है। ओके ओके सर। न्यूज पेपर होता है ना सर, न्यूज पेपर? हाँ सर। उसको फोल्ड करना है। बिल्कुल। फोल्ड करके रस्सी से बांध के एम करके लोगों की बालकनी में फेंकना है। सर मैं MBA करके न्यूज पेपर थोड़ी देखूँ। आपने कहा ना आपका एम अच्छा है, तो आपके जैसे कैंडिडेट्स की हमें तलाश रहती है तुलसीराम। सर एम अच्छा है तो मैं ओलंपिक में भी चला जाता हूँ। ओलंपिक में तो बेटा हम तुमको यहाँ से भेज देंगे, हमारा वो बिंद्रा के साथ में टाई अप भी है, इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माय कंपनी। सर वो भी पहले आपके न्यूज़पेपर फेंकता था। नहीं बट उसका एम हम ही ने सही करवाया था। अरे मेरी बात सुन, पेपर जो फोल्ड करने का बोल रहे थे ना, हाँ हाँ फोल्ड करो और ये
ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ पर एमबीए करके ये सब काम करूंगा। जस्ट इमेजिन, मतलब ऐसे तुम पेपर फेंकोगे, बालकनी से एक आदमी निकल करके आएगा, देखेगा अरे इतना हैंडसम लड़का अपने घर पे बुलाएगा, चाय पिएगा, अगर उस आदमी ने तुमसे एंगेजमेंट कर ली फिर तुम्हारा करियर बना देगा। अरे तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी है जॉब, समझ ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर तो कर लो, मैंने 50 लोगों को मेरे बाप ने जॉब दे रखी ऑलरेडी और तुमको नहीं दी। हाउ सेल्फिश ऑफ योर डैड। अरे मैं तेरे को नौकरी दूंगा, आ जाना कल से। जस्ट टेल मी वन थिंग, एमबीए करके आप ये काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकता यार, एक बार हाँ तो एक बार बताओ, एमबीए करने के बाद में, इतने एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड होने के बाद में, आप अपने घर की खिड़की से बाहर कचरा कैसे फेंक सकते हैं? कौन बोल रहे हैं आप? पहले हमारे पूछे गए सवाल का जवाब तो बताइए। नहीं तो कचरा तो बाहर ही फेंकते हैं ना सर, कचरे का डब्बा नहीं है घर में? अगर आप बोले तो हम आपको गिफ्ट कर दें। पहले आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। बोलिए भाई, भाई क्यों करते हो भाई ऐसे? ओके प्रवीण भाई, नहीं होगा कल से ये सब। पक्का? तो बिल्कुल हाँ। तो बेटा फिर देन इट्स ओके, सो कम एंड ज्वाइन माय कंपनी फ्रॉम टुमारो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो जी, नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करें और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा, क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है, हाँ पूछो बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर एक दबाएं। पहला मुहावरा है अपने किए किराए पर डैश फेर देना, पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो सर आप फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है, ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो, क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर, 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा लेकिन कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? अबे क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना, अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए कराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा? अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है? गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। अबे दाब चला बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से, अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा, मुहावरा की पहले बताओ दूंगा मैं, कौन है? एक मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे, मैं इसको समझा लो पहले। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, एक अनार कितने बीमार? एक अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं, 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए कराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे हैं? तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर, समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए? 1000 रुपए काट रहे, 1000 रुपए मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं? जल विभाग से, हाँ बताएं, क्या काम है? मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जैसे बताया, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं, नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मग्गे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए, देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना हमारे बच्चों। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे? टट्टी करने कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए किराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे, अपने किए किराए पर पानी फेरा है कभी? करिए तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी भाई मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन बोल कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। दोस्त का नाम बताओ। गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार, वो तो ऑन एयर होगी सर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन,
Never miss an update. हेलो सर, आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं सर? इससे बात करनी है आपसे? आई डोंट नो सर, मतलब अननोन नंबर मिला रहा था सर, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा सर, प्लीज हेल्प मी सर। कोई परेशानी में आप तो? नहीं सर, मेरा 7 साल का रिलेशनशिप था सर, मेरी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही है सर। मैं आपको मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर दूंगा, सिर्फ आप एक बार कॉल कीजिएगा उसको और वो फोन उठाए तो कॉन्फ्रेंस में लगा दीजिएगा सर। भैया मैं नहीं पढ़ रहा हूँ चक्कर में सर, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे सर, प्लीज सर, बस इतना करूंगा कॉन्फ्रेंस लगा दूंगा, इसके अलावा और कोई मेरा रोल नहीं। थैंक यू सो मच सर। 980 होल्ड पे रहो, मैं अभी फोन लगा। हेलो रश्मि जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? रश्मि जी आपके कोई बॉयफ्रेंड है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। ऐसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे भैया बोलते क्यों नहीं हो तुम? आप जैसे लोग ना परेशान करके रखे हैं लड़कियों को। सुन रही है आप बता रहे सर, बहुत बदमाश किस्म के इंसान है, लिचड़ किस्म के इंसान है, लड़कियों को ऐसे परेशान करते हैं आप। तूने मुझे बोला समझ में नहीं आता, अरे कौन है ये बीच में कौन बोल रहा है? मैडम ये लड़का बहुत आवारा है मैडम। हीरो मैडम रोज मेरे को ब्लैंक कॉल आता है। अरे मैडम मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। ऐसे मतलब शौचालय में जाने वाले लड़के दीवारों पर नंबर लिख के आते हैं। आप कह रही हैं कि आपका नंबर सुलभ शौचालय की दीवार पे लिखा हुआ मिलता है? नहीं, मुझे फोन करके बोला कि आपको सर आप तो झूठ मत बोलिए, जबरदस्ती फंसा रहे हैं आज बड़ा बेसर। हम लड़कियों का फोन करता है, पापा जो है पुलिस में अंदर नहीं करवाया ना, मैं गोली मरवा दीजिएगा इसके। वो करना है ना उसके साथ करो, मैंने तो बोला ही नहीं था आपको कॉल करने को। अबे यार तूने बोला था, के दिमाग खराब कर रहा है यार। देखो मेरा बाप तुम लोगों का क्या हालत करता है। अपने पापा को जो बोलना बोल देना, ये धमकी। चुप रहे। तूने रश्मि नाम की लड़की को कॉल किया? कौन बोल रहा हूँ तुम? पुलिस वाला बोल रहा हूँ, उसका बाप। देखिए सर ऐसा सीन है सारा, मैं आपको ऐसा सीन तुम्हारा बिगाड़ेंगे ना, तुम्हारे पड़े के 4 विभाजन हो जाएंगे। मेरी बात सुनोगे आप? बोल। किसी रोने तक लड़के का फोन आया, उसने हाँ। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड है आप फोन कर दो। क्या प्रूफ? कॉल तुम्हारे नंबर से गया था बेटा। करते क्या हो? आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ इधर। कौन सी कंपनी में? कंपनी से क्या लेना देना आपको? मेरी कंपनी तक पहुँचेंगे लड़कियों को छेड़ता है तू? पता कर एड्रेस कहाँ का इसका? अभी करता हूँ सर। मेरी बात सुन रहे? अरे पैसे देकर के सेटलमेंट कर सकते हो केस को भी फंसा दो फोन करके यार, फिर बोलो सेटलमेंट। सुनो 21,000 रूपए, 25,000, 30,000, 35,000, 28 दिन के लिए जेल के अंदर घुसाएंगे, सीधा सा बात है। जबरदस्ती फंस रहा हूँ सर, मार लो सर मुझे सारे मिलके। यहाँ ऑफिस में ज्यादा अलग परेशानी चल रही है। हाँ चला हूँ मैं, ये बता दो सर मुझे बस आप पैसे में हाथ के लाओगे और कहाँ से? सर आप मुझे मार दो आके ना, आप ऐसा करो पर मेरे तो कुछ नहीं। हेलो भाई साहब, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफ एम 93.5 से। लड़की छेड़ती शर्म नहीं आती आपको? जेल में आएंगे। मैडम भी आप ही के साथ हैं? हाँ जी हमारे साथ। अरे डेट पे जाना है? नहीं जाना है किसी के साथ, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जाऊँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो हरप्रीत बोल रहे हो? हाँ जी। बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम दलजीत है क्या? तो क्या हुआ बताइए। बेटा मैं आपके घर के बगल वाले घर में रहता हूँ। हाँ जी बताइए। ऐसा हुआ बेटा, यू आर अ वेरी क्यूट कपल आई मस्ट से। हाँ जी, पर आपको हाँ, क्या लेना देना? आप दोनों अभी भी चिट्ठियाँ लिखते हो ना एक दूसरे को? हाँ। तो आपकी एक चिट्ठी मेरे हाथ में आई है बेटा, जो दलजीत ने भेजी थी, पोस्टमैन गलती से मेरे घर पे दे गया बेटा। अच्छा अच्छा अंकल, अभी अभी आप अपने पास रखो। हाँ बेटा मैंने अपने पास में रखा है और पढ़ भी लिया है बेटा। बहुत अंकल ये क्या कर रहे हो आप, पढ़ क्यों रहे हो? बेटा हमारे घर पे आई, मुझे लगा मेरे लिए आई होगी। अरे तो अंकल आप अच्छा रखो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो तो ठीक है, ये उसने लिखा है डियर बेबी, ये क्या सलमान खान वाला डियर है बेटा? तो मतलब बहुत पहले क्या लेना देना आप? बेटा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसने लिखा ये रहा मेरा चौथा। ओ, अंकल वो चौथा जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, चौथा नहीं, वो चौथा लेटर है। और दूसरी बात, आप ये चिट्ठी पढ़ना बंद करो। बेटा इसके पहले वाले 3 भी मेरे पास में भेजना, जरा पढ़ के देखूंगा लड़की ने लिखा है। ओ बुड्ढे बकवास मत कर ज्यादा, वही आगे लोगा तुझे, समझ आ रही है? लिखा कि कल रात को तुम्हारे बिना नींद नहीं आई, हमको लग रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ना अमीनिया है। अरे बुड्ढे वे वो इंसोमिया होता है, और जो तू बोल रहा है वो रेस्टोरेंट का नाम है, समझ आई? तो बेटा गरीब आदमी को तो भूखी लगती है, उसको रेस्टोरेंट के नाम में आजाद दे देते हैं। लड़की ले लिया और भी लिखा बेटा, देते मैं बता रहा तुमको, मैं तेरे पास आ रहा हूँ अभी, तू रखूंगा। लिखा है आई विश आई कुड हग यू टाइटली। बकवास बंद कर। अगर उसको टाइटली होती ना हग तो बेटा कायम चुन खिलाओ उसको मेरे पास में। भाई वो एकदम पतली पतली बैंड
चिट्ठी रख दे। अच्छा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात लिखी है कि जब भी बारिश होती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, ऐसा लिखा है। बकवास मत करो। तुमने क्या लड़की का छाता ले रखा है इसलिए बारिश में उसको तुम्हारी याद आती है? अरे तुम्हें क्या मतलब, बुड्ढे अपना काम कर ले। बात चिट्ठी में यार बहुत जगह लिखा है MUAH मसाला सुना था। ये MUH भी कोई मसाला अगर है तो बता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे भी देगी क्या? वो किसिया भेज रही है मुझे ना कि तेरे। बेटा अब तो चिट्ठी मुझे मिली है तो ये किसिया भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आज ही तू ऊपर जाएगा। बेटा ये बता तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? बेटा जस्ट फिगर आउट। औलाद रुक, आज तो मेरे हाथ से एक मर्डर है। तुम मर्डर करके जेल चले जाओ, आई विल बी वेरी हैप्पी विद योर गर्लफ्रेंड। ओके, पहले तुझे मारूंगा तभी जाऊंगा ना जेल के अंदर। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है दलजी बहुत अच्छा लिखती है, वो क्या चेतन सुहागरात की कोई रिलेटिव है? अबे मदर, ये वो चेतन भगत है, चेतन सुहागरात नहीं है। बेटा मना तो चुका ही होगा तो वी कैन से दैट इन चेतन। अभी आ रहा हूँ, रुक अभी मैं रस्ते रही हूँ। बेटा एड्रेस बता दो लड़की का, आई जस्ट गो एंड टेक ऑल योर किसिया फ्रॉम हर मुआ। ओके बेटा, असली किसिया सच मुआ। उम्र आ गई है तेरी और चिट्ठियाँ पढ़ रहा है, अकल नहीं है तुझे, अनपढ़ की औलाद। बेटा ऐसा बोलोगे तो चिट्ठी सीधा तुम्हारे बाप के पास में भेज दूंगा मैं। अबे तू बाप तक नहीं पहुँच पाएगा। आई एम फास्टर देन द लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड। अरे तेरी बहन का साउंड समझ नहीं आ रहा तुझे? मेरी बहन का साउंड नहीं, पप्पू साउंड वाला है। और स्पीकर में चला कर गया तो बताएंगे कि बेटा तुम्हारा मुर्गा बनाया जा रहा था रेड एफएम 93.5 से। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड दलजीत ने बोला था कि अरे भाई आप लोग भी ना गर्लफ्रेंड ऐसी चिट्ठियां लिखती है, आई वांट टू हग यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो। आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या कंपनी की? कौन बोल रहा है? सर मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बॉल चाहिए कौन बोल रहा है तुम साला? हम कंपनी से बोल रहे, लेकिन आपका लहजा सुनकर के हमें बड़ी हंसी आ रही है। नहीं दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना अभी क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारे कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है तो कभी पास जाना था तू जाएंगे हम टट्टी करने, दो गोले निकालेंगे बॉल वो देता तेरे को मैं, अले बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले फिर कॉल किया तूने, मेरे को बॉल वापस चाहिए ना। एक काम कर, एक मिनट मेरी बात सुन, तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। एक मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैंने बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं, खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे। कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? मैं बता रहा हूँ तेरे को, कौन क्या बात कर रहा है। सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं। प्रवीण भाई तुम पागल हो गया? आओ हम उसे गाली, आदमी भेज रहा हूँ बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 3093593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का अकाउंट नंबर लिख लीजिए, उसमें 300 रुपया आप भिजवा दीजिएगा। आप हाँ बोल कौन रहा है? आप हाजरा के सामने वो जो सुलभ शौचालय है वहाँ पे टट्टी करने गए थे? अबे कब गए थे? 3 दिन पहले आए थे आप। हाँ गया था। आप जब घुसे ना तब टंकी में 20 लीटर पानी था और आप जब चले गए तो 20 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया। मुझे बताओ आप धोने आए थे ना, फेशियल करने आए थे उसका? क्या हो क्या, 3 दिन बाद मुझे कॉल करके ये पानी पूछ रहे हो? अरे जल तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, जल जीवन है और आपने 20 लीटर पानी बर्बाद किया, 15 रुपए के हिसाब से 300 रुपया फाइन हो रहा, आपको देना पड़ेगा समझे? अरे बेवकूफ क्या 10 रुपए उसको दे के आया। एक मिनट गाली गलौज तो
गाली गलौज तो आप करें नहीं, हमारी पहुंच बहुत लंबी लंबी है, ठीक है? आप पहुंच लंबी हमको हल्के में ना ले लोग जाते हैं। ये क्या 20 लीटर पानी है? या तो मैंने ये जनहगाई हो रही थी। सुनो अकाउंट नंबर लिखो हमारा और 300 रुपया उसमें ट्रांसफर करवा दो चुपचाप। अबे जो करना है कर लो। हेलो, बहुत दिन बाद आपका नंबर मिला दिया। तो अस्पताल से निकला हूँ। कौन बोल रहा है? जब आप हाजरा पे वहाँ पे टट्टी कर रहे थे उसके बगल ही पे हम थे। अबे यार खाते क्या है आप, समझ नहीं आया मुझे। कोई जाता है तो निकालता ही है। बहुत दुख झेला। तो हुआ क्या, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? 3 दिन कोमा में था मैं। बिल देखिए 50,000 से ऊपर आया हुआ। अरे तो तुम हगने गए। मैं क्या करूँ इसको लेके, मैं क्या करूँ? तो मैं करूँ क्या ये बताओ भाई। रुपए तो मुझे चाहिए, नहीं तो पुलिस में लगा लूंगा। लगा दो, हल्के तरह से ले रहा हूँ। पागल हो साला, तुम साला फालतू का कॉल कर रहे हो यार। सबसे बड़ा बात है टट्टी इतना बड़ा कांड करेगा ना तो आपको लगेगा बहुत बड़ा। अगर रख फोन, तुम्हारे जैसे वाले बहुत देखा है। अच्छा और भी सिखा रहे तेरे। रुक। हेलो जी, आप संजय बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हाजरा के पास में किसी सुलभ शौचालय में आप गए थे, वहाँ पर आपने 20 लीटर पानी का इस्तेमाल करा और उसके बाद में 300 रुपए का फाइन उन्होंने आपके ऊपर में ठोका और आपको जब उन्होंने फोन किया था आप उनके साथ में गाली गलौज करी, आपने बदतमीजी करी, बदसलूकी करी है। कौन बोल रहा है? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप ये बताओ कोई हगने पे भी ऐसा होता है क्या? वो मैटर अलग है लेकिन आपने गाली गलौज भी करी है। आपके ऊपर में Section 30(1)(c)(a) ये केस लगाया गया है बदसलूकी का। आपको मजाक समझ में आ रहा है? मैं थाने के बाहर जाता हूँ, आप जरा आवाज सुनिए क्या हो रहा है वहाँ पे। एक मिनट रुकिए, सुनिए सुनिए। आप एक आदमी को बेहोश कर दिया, दो दिन जल ही जीवन है, जीवन है, जीवन है। 20 लीटर पानी बहाया कौन? संजय सुन रहे हैं आप क्या हो रहा है? अरे सर ऐसा मत कर, उन्होंने कुछ चुप करा दिया। देखिए आपके, अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप भी रुकिए। प्रशासन को अपने हाथ में ना ले, इसको बाहर निकाल के मारिए, हम लोग नहीं रुकेंगे। अब आपको घर से निकाल करके जब ये लोग लाएंगे तो पुलिस भी बचाने के लिए नहीं आएगी क्योंकि आप गलत हैं। सर अब गलत वलत छोड़िए सर, जो भी कराना है जो भी आप निपट लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हम कैसे निपट ले? आप बोलिए कि आप 3,000 रुपए देने को तैयार है? अरे हॉस्पिटल बिल भी ऐड करना होगा। दे दूंगा सर, दे दूंगा सर। 50,000 का बिल है, 50,000 का हॉस्पिटल का बिल है। 2 दिन भाई कोमा में रहा है। सर ऐसा मत करवाइए। संजय भाई, रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ मैं, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा मैं जा रहा था। हेलो, हाँ बोलो। हमको लगा आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए ये सुनकर के कि हम लोग मुर्गा बना रहे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, लेकिन इतना भी नंबर डराओ, हगना भी ऐसे मत करो यार। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का सर, आपने हमारी कंपनी का एक चाइनीज मोबाइल फोन खरीदा कुछ दिन पहले? हाँ जी लिया है मैंने जी। सर ये फोन आप अक्सर कहाँ पर रखते हैं? पॉकेट में जी। नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं? हाँ जी। ये फोन आप जितनी जल्द से जल्द हो हमारे सर्विस सेंटर में इसे वापस दे दे क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी डिफेक्ट है सर। डिफेक्ट मतलब? तकरीबन आप कितने घंटे के लिए फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं? मैं तो पूरा दिन ही रखता हूँ। अगर मैं 10 घंटे का भी एवरेज पकड़ू तो 15×10=150। अरे यार तुम लोग को बोला ना, आप देखो और एक केस होगा हमारी कंपनी के नाम पर। सर संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? इस फोन से एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेडिएशन निकलती है, वो आपको धीरे धीरे सकता की ओर ले जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? सर आपके पास में सिर्फ 25 दिनों का वक्त बचा है। आप लोग फोन बेचते हो, नहीं करते हो क्या? तकनीकी खराबी के कारण मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। मैं क्या कंपनी मेरा? अभी आप खोए नहीं है सर, आपको ये फोन ले जाएगा अगले 25 दिनों के अंदर में। अगर आपने पॉकेट में मयान से निकली हुई तलवार वापस मयान में जाती नहीं है ना, रेडिएशन निकल चुकी है, अब आपका तो डैमेज होगा ही होगा। सर कहाँ से इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं सर? एग्जांपल्स तो मैंने वो चीन मिट्टी की किताब पढ़ी थी। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? आपका तो कंपनी का केस और ठोकूंगा मैं। सर आप केस ही ठोक पाएंगे और कुछ नहीं। अरे मुझे कुछ भी हो गया ना, छोड़ोगे कल नहीं तो परसों, ये तो आपके ऊपर में होगा ही सरसों। एक बार हो जाएगा, एक बार हो गया सर, फिर तो कोई लड़की आपके अगल बगल भटकेगी नहीं सर। हमारे कंपनी के कुछ तकनीकी इंजीनियर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं करना मुझे किसी से बात। हाँ मासी मजाक सुन रहे हैं? नहीं मी सामू ही ना ही। अरे सर ये हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं। ह्यूमन आली बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन नहीं रहेंगे सर? नहीं मैं आई नहीं।
ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आपसे हो नहीं पाएगा सर। एक बार तो मोबाइल बना लेना, और बनाने लाइक नहीं करूंगा तेरे को, ठीक है? नहीं डालो मोली नीनी मन मन नीनी। सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप नीनी नीनी करते रहेंगे तो आपका लिप नो अब नहीं होगा। नो नो हेलो अब मैं बन सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी है बन सकता है के कारण मनुष्य घर नहीं कर सकता। वापस शुरू हो गया तू बोल ना बकर रखे बन सकता का इलाज 3 दिनों के अंदर में कर देंगे, उसके बाद में आप AK-47 की स्पीड में आप चला रहे किशमिश के दाने साथ में थोड़ा सा अदरक पीस ले धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को खैर हो जाएगा हसमत पगली समझ में आ गया था कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। जी हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 सर, हम लोग मिलकर के आपका इधर में मुर्गा बना रहे हैं।